मैया राधा बेहोश हो जाती है। दिल में विचार किया है कि अब मैं कन्हैया के चेहरे के सिवा किसी और के चेहरे को नहीं देखूं। जब बेहोश होकर के खरक में गिर पड़ी, इधर आज सखियां सारी बड़ी परेशान हैं, बेचैन हो रही हैं। उसी समय आज ललिता जो थी वो जाकर के भगवान कन्हैया के पास में पहुंची। मैया यशोदा से कहा, मैया तू एक काम कर दे, अपने कन्हैया को मेरे साथ में भेज दे। मैया बोली है, क्या काम है? बोली, मैया जब तेरे यहाँ पर एक राधा नाम की लड़की आती थी, उसे किसी काले सर्प ने डस लिया। मैया बोले, तो यहाँ क्यों आई है? अरे जा किसी अच्छे वैद्य से, अच्छे डॉक्टर से दवा दिलवा के ला। ललिता बोली, मैया तुझे नहीं मालूम, यदि तेरो कन्हैया मेरे साथ में चलो जाए तो राधा बिल्कुल ठीक है जावेगा। मैया बोली, तुझे नहीं मालूम, मेरा कन्हैया तो बिल्कुल बारो है। ललिता बोली, मैया शायद तू भूल में है, तेरा कन्हैया बारा बेशक है, लेकिन तेरे कन्हैया ने गऊओं के पीछे रहते रहते बहुत बड़े जंत्र मंत्र सीख लिए, मेरे पास में मेरे साथ में भेज दे। इधर जब ललिता कन्हैया को लेकर के पहुंची है, सबसे कहा है कि बहन दूर हट जाओ। आज जब कन्हैया वहां पर पहुंचे तो ललिता ने पूछा, कन्हैया? ललिता बोली, कन्हैया एक बात बताओ, तुम्हें कोई चीज की जरूरत तो ना है? जरूरत पहले एक बात सुनो। हाँ, एक थाली ले आओ। जे रखी है। हाँ। एक लोटा ले आओ। यही रखा है। वो रखो। हाँ, अब और कुछ? हाँ। अब आम के मंगाऊं कि नीम को लेरो ले आओ। नीम को लेरो। हाँ। और पेरो। और अब सब चीज आएगी, पर अभी एक बात सुनो। तुम सब जाओ। क्यों? तुम सब बाजो। अगर हमारा मंत्र पढ़त काउन देख लो, वो तो अंधो है जाओ। सुन लो तो पेरो है जाओ। सुन जाओ तो पेरो है जाओ। कन्हैया हाँ, चाहे अंधे हो जाए चाहे पेरो हो जाए, सुनेंगे जरूर। बोली है ललिता, कन्हैया से कन्हैया तुझे नहीं मालूम, मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हारे मंत्र को सुनूंगी। तो उसी समय कन्हैया बोले, ललिता तू जिद कर रही है तो सुन ले। जाके बोले, राधा जैसे ही राधा ने इतना सुना है, उसी समय राधा जो उठ खड़ी हुई, कन्हैया ने जवाब दियो, काय को खून की प्यासी हो, चुप रही रहो। तो मैं जानो उधर से ले आओ, पैसा दे दे। इधर जब ये कहा है, आज कन्हैया ने पूछा है राधा से, राधा तुझे नहीं मालूम, प्रभु ने पूछा क्या हालत है? राधा बोली, तुम ही जानो, प्रभु ने पूछा अब दर्द कहाँ बिटिया, बोली तुम। हरि ने पूछा इसका मतलब, राधा बोली
सही जानो प्रभु ने पूछा असलियत को राधा बोली तुम पहचान आप ही जानो इधर जब ये कहा तो कन्हैया बोले राधा जब सब कुछ हम ही जानते हैं तो इतनी नौटंकी करने की कौन सी बात थी। राधा ने जवाब दिया है प्रभु आपको नहीं मालूम जब मैंने आपके चेहरे को देखा तो मन में विचार किया है कि आज आपके चेहरे के सिवा में किसी और के चेहरे को ना देखूं। उसी समय भगवान कन्हैया ने वरदान दिया है राधा को कहा है राधे तुम्हें नहीं मालूम जो पद माँ लक्ष्मी मैया सीता का है वही पद आज से तुम्हारा होगा। वरदान दिया है इधर श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं राजन परिषद जी आज भगवान कन्हैया ने कहीं नहीं अनेक लीलाएं दिखाई हैं। एक बार शकियों ने कहा श्याम सुंदर तुम मुझे एक बात बताओ मेरे साथ में महाराज कब करो। कन्हैया ने जवाब दिया समय आने दो समय आने पर मैं आपके साथ में महाराज भी करूंगा। समय आया है तो समय आने पर योग माया के द्वारा सुंदर सी जगह बनाई है। जब सुंदर सी जगह बनाई तो उसी समय उस जगह को देख करके भगवान ने जरा सा मुरली को बजाना प्रारंभ कर दिया। जब मुरली बजाई है कन्हैया ने तो उसी समय हुआ क्या कि श्याम ऐसी बजाई गई सुन ले कि श्याम ऐसी बजाई गई बसुरिया प्रारंभ किया सभी सखियां वहां से उल्टे सीधे गेने पहन करके जब चली हैं इधर जब वहां पर पहुंची जहां पर भगवान कन्हैया मुरली बजा रहे हैं जैसे ही भगवान कन्हैया ने सखियों को देखा तो जवाब दिया सखियों तुम मेरी एक बात बताओ इतनी रात्रि के समय पर तुम अपने अपने पतियों को छोड़ करके यहां पर क्या लेने आई हो। अब एक बात बताओ परीक्षित महाराज जब कोई आपको नौता दे वहां पर पहुंच जाओ और वो कह दे मैंने बुलाया नहीं तो कितनी बड़ी बेइज्जती होती है। सखियों से जब कहा तो सखियां बोली प्रभु आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। सवाल क्या है बोली प्रभु एक बात बताओ जब किसी पत्नी का पति विदेश चला जाए वो माटी की प्रतिमा बना करके माटी का पति बना करके उसकी पूजा कर रही हो तब तक उसका विदेश से पति वापस आ जाए दरवाजे खटखटा रहा हो तब वो उस माटी की प्रतिमा जो माटी का पति बनाया उसकी पूजा करती रही अपने असली पति के लिए दरवाजे
भगवान बोले सखियों को पागल हो गई हो। अरे तुम्हें नहीं मालूम जब असली पति आ गया है तो नकली की जरूरत ही क्या। सखियां बोली प्रभु आपको नहीं मालूम आपके सामने इस संसार के सारे पति नकली लगते हैं, सिर्फ आप ही एक असली लगते हो। महाराज कीजिए जब सखियों ने जिद की है तो आज भगवान कन्हैया ने कहा है कि मैं आपके साथ में महाराज करूंगा। जब महाराज के लिए तैयार हुए हैं इधर सखियां जब महाराज में पहुंची, इधर जब मैया पार्वती ने सुना कि भगवान कन्हैया महाराज कर रहे हैं, मैया पार्वती भी चली है तो रात्रि के समय श्रृंगार कर रही। भोले बाबा ने जब देखा तो पूछा है कहाँ जा रही, कहा है कि मैं महाराज देखने के लिए जा रही। तो भोले बाबा बोले कुछ भी करो मुझे भी साथ में ले चलो। मैया बोली नाथ कैसी बातें करती हो, अरे वहां पर पुरुषों का कोई काम नहीं है, वहां तो सिर्फ स्त्रियां जाती हैं। भोले बाबा बोले मुझे स्त्री बनाओ लेकिन लेके अवश्य चलो। तुम्हें हमें स्त्री तो बना ले, आम कैसे पिंडा तो पैर आए तो चंता तो धरती हन जाती है, और त्याजे सिर पर धरो मुझे कैसे गुनरा जाको का हुई। अच्छा और जी 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 सरपोट डाले आठ दस। जब ये कहा भोले बाबा जिद कर रहे हैं पार्वती से कुछ भी करो मुझे साथ में ले चलो। इधर जब जिद की है तो सी समय आज मैया भोले बाबा का श्रृंगार कर रही हैं। कैसे भैया, और आज जितने भी भक्त यहाँ पर बैठे हैं सभी अपने सर पर अंगोछा या रुमाल डाल लेंगे। भैया जितने भैया लोग बैठे हैं सभी लाज मान लें।